छत्तीसगढ़ में 54 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने वाली भाजपा पार्टी जब से शासन में आई है, रायपुर में प्रशासन की सख्ती देखने के लिए मिल रही है। चुनाव के अगले दिन से ही रायपुर में 11 बजे के बाद दुकानें खोलने पर सख्ती दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर की रफ्तार भी दिखाई दी। बीजेपी के वादे अनुसार अवैध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई हुई। इसके साथ ही बुलडोजर राजीव भवन यानी कि कांग्रेस कार्यालय पहुंच गया। आपको बता दें, रायपुर में राजीव भवन के आसपास अवैध कब्जा है। राजीव भवन की बाउंड्री वॉल से लगे कुछ फूड जॉइंट्स खुले हुए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए इस अवैध कब्जे को हटाया गया। इसके साथ ही उम्मीद लगाई जा रही है कि शहर में सभी अवैध कब्जों पर ये बुलडोजर चलेगा। 3 दिसंबर को मतगणना हुई, भाजपा इसमें जीती और लगातार 2 दिनों से बुलडोजर की रफ्तार तेजी पर है। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना न भूलें।